सब्सक्राइब करें कुकिंग विद अनीता को और नए रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अनीता में। आज मैं आप लोग के साथ अपनी रसोई में आंवले की खट्टी मीठी लौंजी बनाऊंगी। आंवला बहुत ही गुणकारी है और ये जो लौंजी बनाऊंगी बहुत ही चटपटी लौंजी है, इसे सभी खा सकते हैं, सभी बहुत ही स्वाद लेकर खाएंगे। तो चलिए हमारे किचन में बनाते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट डालना ना भूलें। तो चलिए मिलकर बनाते हैं आंवले की चटपटी खट्टी मीठी लौंजी। आंवले की खट्टी मीठी चटपटी लौंजी बनाने के लिए देखिए, मैंने ये 250 ग्राम आंवला लिया है, इसे उबाल करके और इस तरह से फोड़ दिया है, उसके बीज निकाल दिए हैं। और मैं इसमें जो मसाले डालूंगी वो हींग डालूंगी, ये 2 टेबल स्पून मेथी है उसे मैंने भिगो करके और इस तरह से छान के रखा है, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टेबल स्पून कलौंजी लिया है मैंने, और ये 1/2 टेबल स्पून सौंफ है। और इसमें मैं गुड़ और नमक दोनों मिलाऊंगी, तो मैंने ये 50 ग्राम गुड़ लिया है। तो चलिए बनाते हैं इन सारी चीज़ों के साथ, अब फटाफट चटपटी लौंजी बनाते हैं आंवले की। आंवले की खट्टी मीठी लौंजी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है, फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे रखा है। और जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो ये मैंने इस मेजरमेंट कप से 50 ग्राम मीठा तेल लिया है, वो मीठा तेल हम डाल देते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे, ये थोड़ा सा हींग डालते हैं, एक चुटकी हींग डालेंगे इसमें। उसके बाद ये कलौंजी जो मैंने 1/2 टेबल स्पून कलौंजी लिया था वो कलौंजी डालती हूँ। ये हरी मिर्ची डाल देते हैं और ये सौंफ डाल देते हैं, इसे थोड़ा चला लें। अब ये मेथी जो मैंने भिगो के रखा था 2 टेबल स्पून वो मेथी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब ये आंवला को भी डाल देते हैं साथ में, इसे चला लेते हैं। अब इसमें मैं ये हल्दी डाल दे रही हूँ, ये धनिया पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर और इसे चला लेंगे। चलाने के बाद थोड़ा 1 टेबल स्पून नमक डाल दें, नमक डालकर इसे चलाएं और इसे फ्लेम सिम करके 5 मिनट के लिए ढक दें। ये 5 मिनट हो गया, देखिए इसे हम चला ले रहे हैं, गैस को सिम ही रहने दें। 5 से 7 मिनट में इसके मसाले भून जाते हैं, 2 मिनट के लिए और मैं ढक दे रही हूँ, बीच बीच में चला के देखते रहे। देखिए इतना भूनने के बाद इसमें आप हल्का सा पानी का छींटा डाल दें, देखिए 2 चम्मच आसपास आप छींटा डाल दें और अच्छी तरह से चला लें। गैस को सिम ही रहने दें और एक पानी का छींटा डालने के बाद 1 मिनट के लिए और ढक दें। देखिए 1 मिनट हो गया, ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब इसमें आप गुड़ या शक्कर जो भी खाना चाहें, गुड़ गुड़ का मिठास चाहिए या शक्कर का मिठास चाहिए उस हिसाब से आप डालें। तो मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ, ये 50 ग्राम गुड़ है, गुड़ को मैंने पाउडर बना लिया था, इसे चला लें। बस इसे गुड़ डालने के बाद आप कढ़ाई में यूं ही ना छोड़ें, कढ़ाई चलाते रहें लगातार, ये गुड़ पिघल जाए जब अच्छी तरह से, या शक्कर पिघल जाए तो भी आप गैस बंद करें। अच्छी तरह से पिघल भी गया है और बिल्कुल ये बहुत ही स्वादिष्ट लौंजी बनती है ये आंवले की, और बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं
और आप तो आज अभी तो सर्दी का सीजन है तो आप मक्की की रोटी, बाजरे की रोटी या ऐसे भी प्लेन पूरी पराठे रोटी के साथ आप खाएं, बहुत स्वादिष्ट लगे ये लौकी, बहुत स्वादिष्ट लगेगी। तो चलिए ये गुड़ हमारी अच्छी तरह से पिघल गया है, अब मैं गैस बंद करके और इसे ढक दे रही हूँ और 2 मिनट छोड़ देंगे, फिर चलिए इसे सर्व करते हैं। तो देखिए एक आंवले की खट्टी मीठी लौंजी तैयार हो गई है, लेकिन मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो इसमें 50 ग्राम गुड़ और शक्कर जो भी आप पसंद करते हो मिला सकते हैं। वैसे इतने से इंग्रेडिएंट्स में ये बहुत ही मज़ेदार चटपटी बनती है, तो इस सीजन में आप भी बनाएं, खाएं और फिर मुझे बताएं ये कैसा लगा। आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।